आज की जर्नी है कोणार्क एक्सप्रेस 11019 में, जो कि मुंबई CSMT स्टेशन से दोपहर 2 बजे को निकलकर दूसरे दिन रात को 11:20 तक भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पहुंचा देती है। इस 33 घंटे की जर्नी में ट्रेन फूड, स्टेशन फूड, ऑनलाइन फूड सबके बारे में बात करने वाले हैं इस एपिसोड में। हे गाइस, दिस इज प्रसाद एंड यू वाचिंग ऑल ओवर इंडिया, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। सो आज के इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं और एक ट्रेन को, यानी कि जर्नी करने वाले हैं और एक ट्रेन में। तो आज की जो मेरी जर्नी है वो है मुंबई टू भुवनेश्वर वाली ट्रेन में, यानी कि कोणार्क एक्सप्रेस में। कोणार्क एक्सप्रेस छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल यानी कि CSMT स्टेशन से निकलकर डायरेक्टली पहुंचता है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन में। सो ये जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैं जर्नी करने वाला हूँ यहाँ से लेकर भुवनेश्वर तक। तो चलिए मेरे साथ एक्सप्लोर कीजिए इस ट्रेन को। तो गाइस, मैं आके पहुंच चुका हूं प्लेटफॉर्म नंबर 17 पे, एंड अगर आप आते हो CSMT तो यहां पे दिखाएगा कि भाई प्लेटफॉर्म नंबर 15 पे, मतलब ऑनलाइन अगर आप चेक करते हो। बट मैं आके पहुंच चुका हूं प्लेटफॉर्म नंबर 17 पे, एंड मेरे ठीक सामने आपको कोणार्क एक्सप्रेस देखने को मिल जाएगा। सो भाई, मैं अपने कोच के सामने ही खड़ा हूँ, यानी कि B5, एंड अभी बज रहे 1:20, एंड 2 बजे ट्रेन निकलेगी। अब बारी है अंदर चलने के, सो चलिए चलते हैं ट्रेन के अंदर। मैं आपको बताता हूँ कि AC में आपको किस तरह के सीट्स मिल जाएंगे। खास बात देखो भाई, नीचे जो बैठता है उसके लिए अलग प्लग एंड चार्जर दिया गया है। सो तीन बर्थ है, ऊपर वाला, बीच वाला एंड नीचे वाला। सो तीनों के लिए अलग अलग सॉकेट एंड स्विच, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। सो भाई साहब, मैंने अभी स्टेशन से केले एंड कई सारे चिप्स वगैरह लिए, मतलब टाइम पास के लिए। तो भाई, अब बात करेंगे यहाँ के वॉशरूम की। सो भाई, मिरर काफी सही है, मतलब अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ पे है ये वॉशरूम, इसमें अच्छे खासे पानी भी आ रहे हैं। यहाँ पे पानी वेस्ट करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बस आपको दिखा रहा हूँ। फिर यहाँ पे आपका ये देखिए, ये आ गया आपका लिक्विड, पानी भी काफ़ी सही आ रहा है। फिर आपको यहाँ पे स्मोकिंग के लिए मिल जाएंगे डस्टबिन वगैरह, ये भी काफ़ी सही है। ये दो बटन हैं, ये है ऑटोमेटिक, एंड ये जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो तब इसको हम प्रेस कर सकते हैं ताकि पानी निकल सके। सो मैं अभी इसको प्रेस कर रहा हूँ, एंड ये देखिए भाई, ये काफ़ी सही है भाई, काफ़ी सही है। मतलब भाई सच में यार, इंडियन रेलवे काफ़ी डेवलप कर रहा है डेली अपने टेक्नोलॉजीज़ को, एंड साथ ही साथ अपने जो भी सारे मतलब फीचर्स हैं वो अपग्रेड करते जा रहे हैं। सो फॉर दैट सैल्यूट टू यू इंडियन रेलवे। हर बार की तरह इस बार भी मैंने साइड अपर बाथ ही चूज किया था, और ट्रेन चालू होते ही मैंने पेंट्री से समोसा का लुत्फ उठाया। भैया, बारिश हल्की हल्की हो रही है और साथ ही साथ मौसम काफी सुहाना है। इस मौसम में तो एक गर्मा गर्म चाय बनता है। अब बारी है डिनर की। भाई डिनर इतना अच्छा नहीं था, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, आजकल स्टेशन पर एंड साथ ही साथ ट्रेन में भी खाना कुछ अच्छा नहीं मिलता। एंड अगर आपका लक अच्छा हो तो आपको ट्रेन में अच्छा खाना मिल जाएगा।
भाई इंटरनेट काफी फ्लक्चुएट हो रहे थे ट्रेन के ट्रैवल के दौरान, इसीलिए मेरे से ऑनलाइन फूड ऑर्डर नहीं हुआ। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 एंड नेक्स्ट स्टेशन हमारा होने वाला है विजयवाड़ा, जहां पर कि हम ब्रेकफास्ट करेंगे। कितना टाइम रहेगा इडली बड़ा देता? अभी आके पहुंच चुके हैं विजयवाड़ा एंड वहां से मैंने लिया है इडली एंड बड़ा ब्रेकफास्ट के लिए। गाड़ी विजयवाड़ा से रवाना हो चुकी है एंड आगे नेक्स्ट स्टेशन आई थिंक मैं उतरने वाला हूँ जो कि लंच के लिए। अभी तो मैंने ब्रेकफास्ट ले लिया है। ब्रेकफास्ट में इडली वड़ा चटनी था जिनका प्राइस 50 रुपए था। वैसे 50 रुपए के हिसाब से ये ब्रेकफास्ट उतना खास नहीं था। अब बारी है लंच की। वेज बिरयानी कैसे थे? चिकन बिरयानी। वेज 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 ये क्या है भाई? खाली है ना? अंडा बिरयानी सर। खाना मेल्स, खाना मेल्स। मैंने राजमंड्री में वेज थाली लिया जिसका प्राइस था 80 रुपए। हालांकि 80 रुपए वाली जनता थाली उतना खास नहीं होता है, लेकिन एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि इस स्टेशन पर आपको अच्छा वेज खाना तो नहीं मिलने वाला। हाँ, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपको अच्छा खासा ऑप्शंस मिल जाएगा यहाँ पे, और अगर आप चाहे तो आप यहाँ से खाना ऑर्डर भी कर सकते हैं क्योंकि राजमंड्री में अच्छा खासा आपको वेजिटेरियन रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाएगा ऑनलाइन फूड ऑन ट्रैक रेलवे एप्लीकेशन में। मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे आप ट्रेन में ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर सकते हैं, वो आप देख सकते हैं। शाम को गर्मा गर्म कॉफी के साथ पेंट्री का तला हुआ स्नैक्स भी ट्राई कर लिया। टेस्ट एवरेज था, लेकिन भूख मिटाने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा। रात को वही पेंट्री कार की वही वेज थाली जो कि 120 में मिल जाती है वो मैंने ट्राई किया, लेकिन इस बार खाना थोड़ा अच्छा था। लगभग 11:30 बजे तक ये ट्रेन भुवनेश्वर पहुंच गई। सो ये थी मेरी जर्नी कोणार्क एक्सप्रेस में मुंबई टू भुवनेश्वर तक। ऐसे ही ट्रेन ब्लॉग्स, इंडिया के डिफरेंट फूड एंड प्लेसेस के ब्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट इंडिया।